दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना वरना आप अपने इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए डिलीट कर लोगे। तो चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे ये अपनी आईडी पर चले जाना है। आप जैसे अपनी आईडी पर जाते हैं तो आपको सबसे कोने में दिखता है थ्री डॉट, आपको यहीं पर क्लिक करना है। आप जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है, ये अकाउंट सेंटर। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहां पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको यहां ढूंढना है पर्सनल डिटेल, ये दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे दिख रहा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको नीचे वाले कॉर्नर पर क्लिक करना है। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहां पर भी क्लिक करना है। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी आईडी आ जाएगी, आपको अपनी आईडी पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको ध्यान से देखना है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये परमानेंट के लिए डिलीट नहीं होगा, यहाँ कुछ दिनों के लिए डिलीट होगा। और ये यहाँ जो नीचे है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो आपको कुछ दिनों के लिए डिलीट करना है तो आपको ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड मांगेगा, आप अपना यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐसा करेंगे आपका इंस्टाग्राम कुछ दिनों के लिए डिलीट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको चाहें तो फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर से अपनी आईडी वापस ला सकते हैं। तो दोस्त, वीडियो से जरा भी आपको जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल या पेज पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लेना।